चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज। कैसे हो आप लोग? जी हाँ, थोड़ा अलग सेटअप है आज। हमारे वीडियोग्राफर्स ने कहा कि भाई सर आप बैठ के कीजिए न्यूज, थोड़ा अलग करेंगे कुछ। तो हमने कहा चलो करते हैं आपके लिए सब कुछ अलग अलग, सो दैट यू डोंट गेट बोर्ड। दोस्तों वैसे एक चीज से मैं बिल्कुल बोर नहीं हुआ, जो ब्रेकिंग न्यूज है हमारी इंडिया में दोस्तों, लिथियम के डिपॉजिट्स मिले। लिथियम आयन बैटरी जो होती है उसमें से जो लिथियम है, ये पहली बार इंडिया में मिले हुए हैं। लिथियम अभी तक नहीं मिला था ऐसे। और याद रखिए दोस्तों, ये जो है ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हम अभी भी इंपोर्ट करते हैं निकेल, लिथियम, ये जो रेयर मटेरियल्स है ना, ये हमारे इधर नहीं मिले थे और इंपोर्ट पे डिपेंडेंट थे। अभी ईवी बैटरीज वगैरह बनाने के लिए दिस विल बी गुड। कुछ 5.9 मिलियन टन्स का जो ये है वो मिल गया है जम्मू एंड कश्मीर में। वेरी नाइस। वैसे दोस्तों गूगल जो है ना एआई में बहुत आगे है, लेकिन उनका जो एआई जो चैट जीपीटी के साथ कंपटीशन में उन्होंने बार्ड नाम की जो एआई सर्विस है वो उतारी थी और गूगल सर्च में जो इंटीग्रेट कर दी थी, वो चल नहीं रही है ठीक तरह से। जी हाँ, बार्ड ने कुछ सवालों के जवाब बहुत ही गलत दे दिए और उसकी वजह से उनके शेयर प्राइसेस कुछ 100 बिलियन डॉलर से नीचे आ गए। ओ माय गॉड, दिस इज एब्सोल्युटली क्रेजी। मतलब गूगल ऐसी गलती कर सकता है, वो भी एआई में। सोचिए सबसे पहले गूगल एआई में आए थे और चैट जीपीटी अब सब यू नो लाइमलाइट जो है वो हॉग कर रहा है। सो या 100 बिलियन डॉलर्स का नुकसान पहले ही दिन। ओ माय गॉड। वैसे दोस्तों टेक इंडस्ट्री पिछले 6-8 महीनों के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए इतनी अच्छी नहीं है। सभी जो कंपनीज हैं वो लोगों को निकाल रही है, एम्प्लॉयज को निकाल रही है। एंड अब दोस्तों गूगल के बाद मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, याहू, ये भी ले ऑफ करने वाले हैं कुछ 20% ऑफ देयर वर्कफोर्स। मतलब अगर 10,000 लोग हैं तो 2,000 लोगों को वो निकाल देने वाले हैं। इट इज़ क्रेजी। ये बेसिकली इकोनॉमी खराब है, रिसेशन है, हाई इन्फ्लेशन रेट्स वगैरह, उसकी वजह से उन्होंने कहा हुआ है। हाँ, वैसे नए लॉन्चेस के बारे में बात करने से पहले दोस्तों आपको बता दूं कि मोटो E13 की अनबॉक्सिंग हमने कर दी है, जरूर जाके देखिएगा। 6299 इसकी जो इफेक्टिव प्राइस है वो है, एंड फॉर दैट इट इज़ ऑफरिंग क्वाइट अ लॉट। वैसे हमारे व्यू प्रोडक्ट्स भी देखिए, प्रोडक्ट टैगिंग फीचर जो है उधर जाके देखिएगा, उधर भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स डाले हुए हैं। बात करते हैं नए लॉन्चेस के बारे में। रियलमी 10 Pro 5G कोका कोला एडिशन जो है दोस्तों, तो ये लॉन्च हो गया, उसके ऊपर भी शॉर्ट्स आज जा रहा है, इनफैक्ट चला गया है, जरूर जाके देखिएगा। ये इंडिया में लॉन्च हो गया है कोका कोला के पार्टनरशिप में, कोला फोन है इसका नाम। इसमें कस्टम मेड यूआई है, रिंगटोन्स भी है। मतलब नोटिफिकेशन जब आते हैं तब जब आप खोलते हो और पीते हो ना, तो वो फिज का जो आवाज आता है वैसे कुछ आता है। कोला फोन फ्रॉम रियलमी। ऑलराइट, रियलमी के बारे में बात कर रहे हैं तो बता दूं रियलमी GT Neo 5 चाइना में लॉन्च हो गया। ये दुनिया का सबसे पहला फोन है दोस्तों जिसमें 240 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट आता है। जी हां, इसमें 8256 बेस वेरिएंट आता है एंड कुछ 2499 यूआन, यानी 30-31,000 अप्रॉक्सिमेटली इसकी प्राइस है फॉर 8GB 256GB वेरिएंट। वैसे नोकिया की तरफ से एक फोन आ रहा है, नोकिया X35G, लेकिन इसमें कुछ इंटरेस्टिंग बात है। ये जो है ये मैन्युफैक्चर किया है रिसाइकल मटेरियल्स के साथ। आजकल सभी S23 सीरीज आप देखो, रिसाइकल मटेरियल्स बहुत सारे 20% कुछ उन्होंने यूज किया है। अब ये जो नोकिया X30 है वो रिसाइकल मटेरियल से बनने वाला है। Qualcomm Snapdragon 695 प्रोसेसर, 6.43 इंच, 90Hz AMOLED डिस्प्ले, 4200 mAh की बैटरी एंड 33W चार्जिंग। आई जस्ट होप नोकिया गेट्स द प्राइस राइट। Infinix Smart 7 इंडिया की जो लॉन्च डेट है आ गई है, फरवरी 22 को लॉन्च होने वाला है। 6.6 इंच HD+ स्क्रीन है, IPS LCD है, 13MP का डुअल कैमरा सेटअप है, 6000 mAh की बैटरी, फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। 7,500 प्राइस होने वाली है, अंडर 7,500। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लीक्स एंड रूमर्स, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। हमेशा दैट इज अ डिस्क्लेमर दैट वी पुट। Samsung Galaxy A54 5G एंड A34 5G के स्पेसिफिकेशन जो है वो लीक हो गए हैं। Exynos 1380 इस प्रोसेसर पे आता है, 6.4 इंच FHD+ 128 AMOLED स्क्रीन है, 50MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 5000 mAh की बैटरी एंड सेम 25W चार्जिंग। UI 5.0 होने वाला है, विच इज बेस्ड ऑन Android 13 One UI 5.0। इसका जो लॉन्च है दोस्तों ये सेकंड हाफ ऑफ 2023 में होने वाला है। दो वेरिएंट्स में आने वाले हैं, 8128 एंड 8256। अगर A34 5G के बारे में बात करूं तो ये Exynos 1280 पे होने वाला है। इसमें 6.6 इंच की FHD+ 90Hz AMOLED स्क्रीन होने वाली है। वैसे दोस्तों 2024 में एप्पल कुछ इंटरेस्टिंग लॉन्च करने वाला है। इनफैक्ट एप्पल वॉच सीरीज X आने वाली है, एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 और भी बड़े डिस्प्ले के साथ आएगा। अब मैं डालता हूं दोस्तों वॉच अल्ट्रा, वो छोटा ऑलरेडी ऐसा था कंप्यूटर हाथ में रखा हुआ है, अगर और भी डिस्प्ले बड़ा हो गया तो क्या होने वाला है मुझे पता नहीं है। लेकिन नए सेंसर्स वगैरह आने वाले, ज्यादा फ्लैट डिजाइन होगा, ब्लड ग्लूकोज सेंसर आने वाला है। इसका मतलब आप आपकी शुगर लेवल्स भी टेस्ट करवाओ।
ऑलराइट, गूगल पिक्सल 7a इसके जो केस के रेंडर्स आ गए, और एक बात कहूँ, पिक्सल 7 सीरीज है ना, सिमिलर एटलीस्ट जो कैमरा यूनिट है एग्जैक्टली सेम है दिखने को। स्पेक्स के बारे में बात करूँ तो 50 मेगापिक्सल का सैमसंग सेंसर है एंड 64 मेगापिक्सल टेलीफोटो एंड 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है। सो या दैट्स व्हाट इट इज। वैसे दोस्तों पोको और एक फोन लॉन्च करने वाला है X5 सीरीज में, पोको X5 GT, ये ग्लोबली लॉन्च होने वाला है याद रखिए। लेकिन ये सेम है रीबैच्ड वेरिएंट ऑफ Redmi Note 12 Turbo जो चाइना में लॉन्च हुआ, वही है 7 Gen 2 प्रोसेसर होने वाला है, 6.67 इंच FHD प्लस 120Hz OLED स्क्रीन, 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप, 5000mAh की बैटरी एंड 67W चार्जिंग। दैट्स व्हाट पोको X5 GT इज फॉर यू। वैसे iQOO Neo 7 5G जी हाँ, बहुत ही जल्दी ये लॉन्च होने वाला है, इसकी प्राइस लीक हो गई है, 12256 वेरिएंट 34999 में आने वाला है एंड इफेक्टिव प्राइस देखोगे तो अराउंड 30-31,000। और दोस्तों WTF न्यूज ऑफ द डे, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको एक वार्निंग भी है, अगर रात को अंधेरे में आप बहुत ज्यादा स्क्रीन देखते हो तो याद रखिए, हैदराबाद की एक महिला है, शी हैज लॉस्ट हर आई साइट, आंखें जो है वो चली गई है क्योंकि बहुत ज्यादा वो स्मार्टफोन इस्तेमाल करते थे रात को अंधेरे में। यस, ये जो है स्मार्टफोन विजन सिंड्रोम SVS जो है उसकी वजह से ये इशू हुआ है एंड डॉक्टर्स ने कहा है कि ये स्मार्टफोन एक्सेस स्मार्टफोन यूसेज की वजह से हुआ है रात को अंधेरे में, सो डोंट डू दैट। अब ये जो बिहार के लोग हैं ना, स्पेशली चोर जो है ना, वो मैंने तो ऑलरेडी बताया आपको, मोबाइल टावर वगैरह उन्होंने चोरी की हुई है। अब दोस्तों उन्होंने 2 किलोमीटर लंबा रेलवे का जो ट्रैक है ना वो चोरी कर दिया है। आई मीन क्या है ये, मतलब मोबाइल टावर चोरी करते हैं, 2 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक चोरी करते हैं, करते कैसे है? I don't know, but that's what WTF news is. पता था आपको ये? वैसे दोस्तों deals already मैंने बता दी है, लेकिन फिर भी Vivo X80 जो Dimensity 9000 पे है, ये 55,000 के नीचे मिल रहा है, Vivo T1 ये आपको under 16,000 मिल रहा है, टैग किए हुए प्रोडक्ट्स जरूर जाके देखिएगा, that's our steal the deal. And time for rapid fire. जी हाँ, Google ने Android 14 developer preview जो है Pixel devices के लिए रिलीज कर दिया है। उसका नाम पता है क्या है? Upside down cake. Oh my god, उल्टा केक। Samsung ने उनका Samsung Galaxy S23 Ultra BMW Edition South Korea में लॉन्च कर दिया, पता नहीं इंडिया में आने वाला है नहीं, लेकिन उसका जो UI है ना BMW inspired है, BMW M inspired है। Elon Musk जी ने उनका Twitter Blue लॉन्च कर दिया है, जी हाँ, ट्विटर टिक चाहिए ट्विटर ब्लू लीजिए, 6.5 रुपए महीना है, 650 दोस्तों। सुंदर पिचाई जी ने कहा है कि यूट्यूब शॉर्ट्स जो है ना अब 50 बिलियन डेली व्यूज ले रहे हैं, शॉर्ट्स आप देखते हो या नहीं जरूर बताएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। वैसे ये टेक न्यूज अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और ये जो हमारा सेटअप है और बैठ के जो मैंने खबरें दी हुई हैं वो अच्छी लगती है जरूर बताएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।